पैदा करी। बेटा तपस्या करया ही परमेश्वर की कृपा हो ही आदमी की मनोकामना पूर्ण हुए। आज बेटा और राजा भी रानी ने तो पटरानी बना रखी है। अरे बेटा किया किया अंकारा भरे तलिया में थुकावे अरे मन देख दस की समझ रखी है जो कट नोरे कमाई ने बिठा रखी है। कदई की चीज को पूछे को नहीं मंत्री ने कह दिया वो बेटा अपना खाने पीने को सामान न खा दे। मनता है बेटा वो राजा जीव तो है नहीं जितना खाने पीने को सामान तो न खाई जाए नहीं और जग दिन मर जाए नहीं बी दिन हार रानी अपने देश निकालो देश से राखे को नहीं कटे। अर दुर्वर है कार्य में दुख पैदा हो अरे अचना तो अपना आगे जा हालत खराब उसकी माँ बेटा की जना अपने माँ बेटा की हालत खराब उसी जे हुए तो आप परमेश्वर को मिले और अपने मां ने सुखी बनावा जना हुआ आ सोच और वो आपको भी टाइम घरे हूं निकल गयो बन में चले गयो बन में जावे रस्ते का मायने मन में विचार करे का अपन कोई बता सी जना परमेश्वर को मिले नारायण भगवान अरे पाछा ही घरे आसिया बहु मिल कृपा करा दिया आसिया। अब वो सोचे कोई शेर के मायने किसी कटे घर को पूछा दिखे आगे जा पूछा गांव आई जना यह सोच और चल है बट्टी घर कोई नारद जी जावा नारद जी बन में एक न तापर ने देखो पांच वर्ष कहने जहाँ ध्यान लगा देखे रहो पांच वर्ष को टाबर जावे कुन है बंद में आगे अगोर जंगल है जना नारद जी ने ठाप लो रहे यहाँ बीमाता के कड़वा बोल रहा हूँ रूस निकले रहे जना नारद जी मिले ने सामा नारद जी कह रहे बेटा सीधा है आगे कोई गांव ही कोई जंगली जंगल है बेटा जंगल के मैं कोई शहर बाघ तो खाजे सी भालू कोई सीधा है जना दुर्वा क्यों मैं यहाँ परमेश्वर मिलन न जाऊ नारायण भगवान नारद जी क्यों अरे वारे वहां बेटा जोर की बात करे अरे नारायण बड़ा बड़ा ऋषि महात्मा साधु संत सौ सौ बरसात है तपस्या कर शरीर काट दिया मर गया बने कौन मिल गया बेटा जो तने पांच वर्ष का नकड़ ला दी बेटा टाबर है तो छोटे टाबर ने तो कोई कल्डो बोल अरे पाचो फांक दिखा दे या मीठो बोले तो राजी हो जावे जो तू को स्वभाव छोड़ बन में निकल गयो चाल चाल मैं तो ले चल तार बापू जी कहते मैं तारा बापू जी ने कैसी नी जकी बात मान ले मन नट को सके तू कैसी तो तुने राजगद्दी दिरा दे मन नट को नहीं क्यों क्या मैं नारद हूँ नारद परमेश्वर को भगत अरे दुर्वा मन में विचार करे और नारद जी मिले अपन सुने तो ही की पांच वर्ष कह के भाई नारद जी भगवान का भगत है दूरा मन में सोचो रहे घर निकलिया को नहीं इतने अपन यहाँ अगला भगत मिल गया जिन आगे गए तो परमेश्वर जरूर मिली आ सोच और नारद जी ने प्रणाम करया पगा पड़ी गयो दुर्वा क्यों महाराज आप नारायण का भगत हो परमेश्वर का भगत हो आप अरे मैं बाहू मिलने जाऊ भक्ति मार्ग पर चल रहे महाराज आप मैंने कोई सरल रस्तो बताओ तरीको देखो बेगो मिल लू बाहू उपाय बताओ महाराज सरल तरीको बताओ देखो बेगो मिलू भक्ति मार्ग पर चाल रही हूँ नारायण भगवान मिलने जाऊ मन पाचो फेरनो उचित को नहीं रस्तो बताओ मैं क्षत्रिय हूँ महाराज क्षत्रिय क्षत्रिय आदमी कद प्रण कर ले नहीं तो वो पास दिग्गज को नहीं मैं नारायण भगवान मिले बिना घरे जाऊ हूँ जना नारद जी सोचे रहे टाबर है तो पक्को जना नारद जी क्यों रहे बेटा मैं सारी परीक्षा ले अगर तो तु प्रण पक्को कर में लिया मिलने को तो ले मैं तेने सरल तरीको बताऊ मिलने को तू हटो सीधो मथुरा चलो जा मथुरा मथुरा में यमुना किनारे आठों पैर वृंदावन बिहारी लाल श्री कृष्ण चंद्र भगवान रेवे तू बट जा और यमुना में त्रिका स्नान करीजिए
और उतरा तो मुंडो कर आसन लगा और बैठ जाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओ तने बार अक्षर को मंत्र देऊ, ये मंत्र के तो रात दिन माला फेरी जाप करी थी। और सावले सुरते मौने मुरते चार बुजा को रूप धारण करेड़ा, यहाँ पीले पीतामरे पीड़ो रेस में दुपट्टो लगाएड़ा, जड़ाऊ मोकट काना में मित्रागत कुंडल कौस्तु मणि बेदंते माला पहनेड़ा, श्याम रंग का मंद मंद मुस्काता आया, विष्णु भगवान को स्वरूप है नी, बिन तू हमेशा सारे भीतर में निरख तो रही, भी रूप ने तो मायने देख तो रही, जिन माला फेर तो रही, देखो एक न एक दिन तन नारायण भगवान मिल जे, पने खानो कम खाई पानी कम पीजे, ए भक्ति में बात देखा है कि वास्ता पानी कम पीने और खानो कम खानो एकदम कम खानो खाई। नारद जी दी शिक्षा और दुर्वा जी प्रणाम करया, दुर्वा मन में विचार करियो कि अरे आपा तो सोचा क्या कहते हो शेर के मायने कोई हेली में लहा दी बैठा, ये तो आपा ने हृदय में बता दिया, अब मैं नारायण भगवान को मिल लू परमेश्वर को मिले मैंने घर नहीं जाऊं। दुर्वा सिद्ध मथुरा चले गयो, नारद जी तुम आवे बिना ने बजावता आया, हरिगुण गाता आया, नाचता कूदता उत्तान पाद राजा के मेल में चले आ, नारद जी महाराज की उत्तान पाद राजा के मेल में आया। और उत्तान पाद राजा आपकी रानी पर रिश्ता बढ़ो रिश्ता बढ़ाओ, अरे थारे मुंडा चुप कौन रही जो एक वाक्य देती थोड़ी घनी बात जो एक सागे लग दी देखो घंटा तो ही बच्ची टाबर का ऊपर आज मारो वह पांच वर्ष को पालो पोसो बेटो देखो यहाँ बन में निकल गया थारी कड़वा बचना हूं अब इन मैं कट ढूंढू कुंदा नहीं गई कहीं था भूखा दिशा मरता मर जा बाघ भालू खाजा से टाबर ने थारो चुप कौन रही जो जो बोलेंगे एक चीज रिश्ता बड़ा भी टेम नारद जी बट भूग गया। नारद जी पूजा जाए उतान बाद राजा नारद जी ने प्रणाम करया, मान सम्मान दियो, क्या हो महाराज आओ आपको पता है क्या हो क्यों अरे माली बात तो पस बताओ, पहले तो आप बता क्या इपर रिश्ता कहने मिले है मुका उबांगा जरा क्या महाराज रिश्ता ही वास्ता बनो आ ये हमारे टाबर ने काट दियो पांच वर्ष को टाबर हो पाले पशु अरे यहाँ बदम काट दियो जो अब अभी ने कोई बाघ भालू खा जैसी महाराज जानवर भूखाती से मर तो मर जे जना नारद जी कह रहे राजा चिंता मत कर थारो बेटो मन मिलियो गेला में थारो बेटो मन मिलियो अरे मैं बिने घणो ही समझाया पाछो जानता ही पर वो प्रण को पक्को है पाचवाने को अहंकार भरे ही कोई वो क्यों मैं परमेश्वर की तपस्या कर और परमेश्वर मिल रिया क्यों महाराज आइए कियो कि अजू जा था इच्छा है तो तू परमेश्वर की तपस्या कर ले क्यों हाँ वो तपस्या करने गई है मैं बिना सरल तरीको बता दियो वो जल्दी ही मनोकामना पूरी कर पड़ो और यहाँ अगली पदवी प्राप्त कर राशि देखो आज तक थारे कुल में कोई करी को नहीं राग कर सके को नहीं मेरी चिंता मत करे मेरे कोई बाघ खावे न कोई भालू खावे जो कोई भगवान के शरण में चले जाओ मेरे कोई की गोली बिगाड़े पर तू ही रानी ने राज्य राखना तय गलती करी देख राजा तन कम कम गोड्डे पर बिठा है तू ये कनी करी बिटे हम तो नारद जी तो कह रहा आपका चले गया राजा के थोड़ी धीजाई होगी कितना ठीक है वह पछ आ सके दुर्वे गयो मथुरा में जमुना किनारे जा कर स्नान और कुसा को आसन लगायो और उतरा दो मुंडो कर बैठ गयो और ओम नमो भगवते वासुदेव जपने लगे और मायने भी रूप ने निरखे के भाई वो रूप दिखे के दिखे अब वो मन में सोचा है अपन नारद जी क्यों खानो कम खाई पानी कम पी अपा एक काम करा तीन दिनों एक जीम से तीन दिनों एक जीम व्रत राख एक महीने ती तीन दिनों एक जिम्मे दूसरा महीनो लगो जा मन में विचार करे रे आप तीन दिन न छोड़ो सात दिनों एक जिम जा दूसरा महीने में सात दिनों एक जिम
तीजो महीनो लागो मन में विचार करो खानो नो खावा दे आपा ने टाइम लागे और भक्ति में बात आवे मलमूत्रा जी करा देना इन्हो तो खानो समुचो ही छोड़ दिया। गाछ का पत्ता खा लिया देखो उन्ने बुन्ने खाने की कोशिश आई तो कोनी करनी पड़े उठ्यार आपने गाछ का पत्ता खाए रहती पाचा बैठ गया। जब तीजे महीने में गाछ का पत्ता खाना चालू कर एक महीने गाछ का पत्ता खाकर दिन निकाल दियो एक महीनो चौथो महीनो लगो मन में विचार करे रहे गाछ का पत्ता ही आप तोड़ा खड़ा हुआ और खावा टाइम लगे आपने भक्ति में बात आप उगाई देने वाला दो फेरी जावे इना तो पानी पी दे जाओ आप जा चौथा महीना का मैंने खाली पानी पी दे रियो एक महीने पांचवा महीनो लगो मन में विचार कर रहे पानी पिया तो नहीं भक्ति में बात आवे बार बार पेशाब करने जानू पड़े इन्हें बंद करो खाली हवा खा गए देखो आपकी माला बंद हुई कोनी जब मुंडो उबा बैठे बैठे हवा ने गिटको और आपको धाप गयो मन मन में अरे माला चालू कर दी अरे रूप ने निर्ख पांचवा महीना में हवा खावे नहीं बेटे हम एक पगड़ा ऊपर खड़े हो जावे एक पगड़ा ऊपर खड़े और मुंडो हवा गिटर बंद करे दो और फिर रूप ने निरकार ओम नमः भक्ति वास्तव को जाप करे छठो महीनो लगे नहीं जिन्हें इन माई ने सावले सुरते मौनी मूर्ति बैकुंठनाथ विष्णु भगवान का दर्शन होने लग गया। माई ने नारद जी बताया नहीं तो रूप दिखने लग गयो माँ अब आंखें बंद करेड़ी मुंडो बंद करेड़ो और भी रूप ने निरखने लग गयो नारद जी बताया अब दिखने लग गया अपन माई ने बे सावले सुरते मौनी मूर्ति पीड़े पीताम्बरी पीड़ो रेस में दुपट्टो चार गुजारा रूप धान करो विष्णु भगवान दिखा अरे नहीं देखे अभी रूप में बो मगन हो जो मगन भी रूप और शरीर मरीज को सांस लेने जगह को नहीं माँ पूरा का पूरा दिखे एक भाई अब ऐसो मगन हुयो देखो छठे महीने में हवा खानी भूल गयो मुंडो खोल लियो ही कोनी मुंडो खोल लियो कोनी देना हवा दुर्वे का पेट में रहेगी बारे चालनी बंद होगी बारह हवा चालने बंद हुई और लोग गुटी चढ़ने लग गया सांस को नहीं आवे जा देवता देवलोक में गुटी चढ़ने लग गया भाद्र ब्रह्मा जी कने गया अरे महाराज आज ले क्या उम्मीद जो आवे यार सांस को नहीं आवे और के विकराल सा रेमा कहीं हुए है ब्रह्मा जी कह रहे याद मारे मैं गुटी जो थका देख के कौन रहा है मारे चार न करो सांस को नहीं आवे क्यों जना तो चला दिखा बेकुंठ में विष्णु भगवान कर जब विष्णु भगवान कर गया बेकुंठ में जाहिर प्रार्थना करे जब विष्णु भगवान की ओर है एक पांच वर्ष को छोटो टाबर मारो भगत जागियो है दो बा भगत यहाँ घोर तपस्या करे हर को हवा गिट और मुंडो बंद कर बैठ गयो देखो अब बा हवा भी रहे पेट में बंद की वो मुंडो खोल ले हवा छोटे से तो वह नहीं तो हवा चल रहे जना ब्रह्मा जी देवता हजोड़ के रहे महाराज जाओ तो स्वरूप भगत कहता है करे तपस्या मेरी मनोकामना पूरी कर हवा छुड़ाओ नहीं तो मरा नहीं जना विष्णु भगवान आया भाजिया भाजी आज जके स्वरूप को मैंने ध्यान कर रहा है क्यों नहीं ध्रुव है वही रूप धारण कर सामने खड़े हो गया सामने खड़े हो गया जना वो आंखें खोले तो इन्हें वरदान दे तपस्या बंद करावा ध्रुव जी आंखें खोली को नहीं क्यों तो मां दिखे रूप खड़िया रिया खड़िया रिया खड़िया रिया पिंडिया में सड़ पांच आदर लागी पर ध्रुव जी हाँ खोल खोली जना मन में विचार कर रहे ओ आंखें आंखों ने खोल लिया क्यों गए ना पर माई ने दिखा ये माई ने रूप ने अंतर ध्यान कर आंखें खोली जना नारायण भगवान आप अभी रूप ने खेचियो खेचियो और माई ने दिखा को नहीं जब चमक आंखें खोली आके देखे तो साक्षात सामने खड़िया अब दुर्वे जी परिक्रमा करी और आपको माथो चरणा में टेक दियो और दंडवत प्रणाम करी नारायण भगवान दुर्वे ने खड़ो करो दुर्वे जी हाथ जोड़े मुंडो ही मुंडो देखा खाली पांच वर्ष को टाबरो अस्तुति करनी जाने को नहीं मन में विचार करे ब्रह्मा शेष महेश गणेश भी यहाँ की अस्तुति को नहीं कर सका तो आप खाई करो
अरे खाली मुंडो देखे भगवान के चेहरे के मायने मगन हो गयो। विष्णु भगवान मन में विचार करे रहे 500 को टाबर है अस्तु जो कर सके वो नहीं। अरे ना पाई इच्छा के हिसाब बरदान देवा जहां आप और संघ दुर्वा का ठोटी कटायो और ताड़वा कटायो इतने दुर्वा के हृदय में ज्ञान को प्रकाश दो और सब विद्याओं को जानकार बन गयो। सब विद्या को जानकार बन गयो। नारायण भगवान क्यों रे दुर्वा बरदान मांग जो चाहे बरदान मांग। दुर्वा क्यों मारा थाके चरणा का दर्शन कर लिया थाके चरणा का दर्शन हो गया था अब मांगनू कहीं बाकी रह गयो। मैं आई चाहू के थाके चरणा को ध्यान मारे हृदय में रात और दिन बने रहे वे और थाके लीला कथा चरित्र सुना में मारो मन लागे रो जाए। नारायण भगवान क्यों नहीं दुर्वे जको तो घरे निकलो भावना बना जको लक्ष्य ले तपस्या करिए मैं तेने कोई वरदान देसु कोई वरदान दू जा जकी माँ तेने मोसा बोल बोलिया नहीं मैं तेने क्यों भी माँ के मुंडा के 36,000 वर्षा ताई राजगिद्दी को सुख दे 36,000 वर्षा ताई राजगिद्दी को सुख दे जके भाई के बराबर तेने बाप गोदी में कौन बिठायो वो भाई थारी आज्ञा को पालन कर से थारा मुंडा का थारा ओडा एडा काम कर से और 36,000 वर्ष पूरा हो जाए नहीं जना मैं तने ये भक्ति के प्रभाव 5 वर्ष को टाबर होकर के तू भक्ति करिए ये प्रभाव मैं तने ब्रह्म लोक ऊंचो स्थान देऊ रहना ते दुर्व लोक का मायने तू निवास करेगो और महाप्रलय तक तू स्थिर रहेगा महाप्रलय का अंत का मायने थारी मुक्ति वेगी और सूरज चांद तारा ए सारा का सारा थार बार कर परिक्रमा देवेगा ऐसा वरदान दे और नारायण भगवान अंतर ध्यान हो गया। अब दुर्वा जी मन में विचार करे रहे देखो रे देखो अरे इतनी बड़ी तपस्या कर अपन भगवान मिल गया रे बावजूद गिद्दी स्वीकार कर ली जे मुक्ति मोक्ष मांगता तो केन आ सोच और आपका घर का वास्ता रवाना गांव के बाहर ले चले एक बाग हो वे बाग में बैठ आराम करने लग गया और बाग रो माली ओलख ली बाग रो माली ओलख लियो जब बाग रो माली ने ठा हो के दुआ पर निकले वे घर भाजो भाजो उत्तान बाद राजा के न गयो जार बताई मांगी महाराज थांको बेटो आ गयो बताई दो थांको बेटो आ गयो बताई दो उतान बाद मन में विचार करियो केंको आ गयो अच्छा छ महीना हो गया गए न अब क्या है विश्वास को नहीं करो बेटे मैं बिना ने बजावता आया हरि गुण गाता आया नाचता कोता नारद जी महाराज चले आते भय नारद जी महाराज नारद जी आया और राजा ने कह रहे राजा मालिक है नहीं जकी बात न सही मान और अठ बेटो रियड़ो काम को कोनी चाल थारा बेटा ने मान सम्मान इज्जत कर घरे जा दुर्वे तपस्या के द्वारा आपके मन को संकल्प पूरा कर दियो है यानी परमेश्वर को मिल दियो है और ऐसी ऊंची पदवी प्राप्त कर रही है देखो न तो थारे कुल में वंश में आज तक कोई करी और न आगे प्राप्त कर सके ये वास्ता तुम रेणु नहीं चीज है तन मान सम्मान इज्जत दुर्वे ने लेनु चीज है जना भी राजा ने विश्वास आयो और एक रत्ना को हार हो जिको वो हार भी माली ने बधाई को दियो और उतान पाद राजा उत्तम ने दोनों राणिया ने और मंत्रिया ने परिवार ने ले सागे और गाजा बाजा उद्रो मिलने गयो गांव का लोग सुनिया बात जना भगवान का भगत का दर्शन करने खातर पूरो गांव उधर गयो भी बाग में गया जना दुर्वा जी शरीर के राख लगाए दी जता बल्या दी जता मैं बड़को दूध लगाए दो और नारद जी ने प्रणाम करया पहले को नारद जी ने प्रणाम कर और उतान बाद राजा ने प्रणाम करया बापू जी ने
उतान पाद राजा ऐसो प्रेम जागे बेटे ने देख करके जो उठायो उठा छाती के लगायो और प्रेम का आंसू है जो ध्रुव को मुंडो धो दियो। फिर ध्रुव आपकी सागण मान ने पहली प्रणाम कोने करा पहली बिन करा देगा मोसा बोल बोलिया सुरुचि ने क्यों कहा हमारी गुरु की एक तरीको आज कल दिन नहीं बोलती नहीं तो आज मनो पद को नहीं मिलतो। पद आप वाली मां ने प्रणाम करे पद आयडा गांव का जका बराबरिया गले मिले बड़ा ने प्रणाम करे छोटा ने आशीर्वाद देवा सौ संपर्क करो करे और उतान पाद राजा हाथी पर आपके बराबर बिठा चांदी का सोने का मिन्नू करेड़ा फूल जका की उछाल करतो हो बताया बांटतो हो मिठाया खुआतो हो गाजा बाजाओ घरे ले रहा घरे लिया और बेटे लाखों ब्राह्मणा ने जिमावे ऐसा ने बनाया देवे ध्रुव की हजामत कराई हजामत करा और नया कपड़ा मंगाया दर्जी को बेटा रेडीमेड मंगाया सीधा रेडीमेड कपड़ा मंगाया नया पीरा ड्रेस नवा द्वार ध्रुव ने और बड़ो प्रेम सोरो रखने लगे। अब धीरे 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 ध्रुव थोड़ो बड़ो हुयो और मंत्रियों प्रजाओं प्रेम सगड़ा जहां उतान पाद राजा मन में विचार करे अरे वो जायड़ो बेटो तपस्या के द्वारा इतना ऊंचो पद प्राप्त कर लियो आप कटे जन्म का चक्कर में नहीं रह जाओ जे वह तो अब ध्रुव राजगिद्दी पर बैठने लायक है इन राजगिद्दी पर बिठा आपा ने बन मजार तपस्या करनी चाहिए और परलोक सुधारा आप लोग जन्म सफल करा जना उतान पाद राजा ध्रुव ने राजगिद्दी पर बिठा और आप बन में तपस्या करने चलो जावे। अब ध्रुव राजगिद्दी पर बैठे और उत्तम ध्रुव की आज्ञा को पालन करे राजकाज को काम करे बहुत टाइम निकली जो एक दिन उत्तम ध्रुव का हुक्म ले और सत्य संग्रह ने ले शिकार खेलने गयो शिकार खेलने गयो देखो घूमता घूमता कुबेर जी के स्थान में पहुंच गयो। कुबेर जी को एक रमणीक बाग हो बनायो बहुत सुंदर भी बाग रमय ने आराम करना तय बढ़ गया। अब बाग में आराम करना बढ़ गया था सत्य संग्रिया बाग में फूल लगे रहा फल लगे रहा जा कोई तो फल खाना ताई डाली नीचे कर फल तोड़ लिया कोई फूल तोड़ लिया कोई डाली तोड़ ली पत्ता सुंदर नाग दिया और कोई कटी पेशाब कर दियो कोई पुड़िया थूक दिया बाग ने गंदो कर दियो गंदो कर देना यक्ष आया यक्ष और लड़न ला गया क्यों रहे थे देवलोक रहा मनुष्य नहीं रहे मृत्यु लोक रहा मनुष्य है और देवलोक में क्या आ गया थाने रेने कोई ठाको नहीं वो देवलोक है कुबेर जी को रमणीक स्थान है बाग घूमने को जगह का मैंने तैयार या गंदगी कर दी नहीं बाग ने नाश कर दिया। जब उत्तम राजा को भाई हो तो राजा को भाई होने का नाता अहंकार आयो भी यक्ष के सामू बोल दियो सामो बोले तो ने यक्ष उत्तम का एक थप्पड़ मारी जोर की बा थप्पड़ बड़ी जोर की पड़ी यहां जो उत्तम का प्राण निकल गया उत्तम का प्राण निकला नहीं निकला छे भजा भजा ध्रुव ने बात बताई अरे ध्रुव ने आई रीस अरे मारे भाई ने मार दियो यक्ष मैं एक यक्ष ने जीवता को छोड़ दू आके अगली सेना सागे एक अक्षर और आप रथ पर हु सवार और कुबेर जी के बड़े लड़ाई करने जाने लगे। उत्तम की माँ और समाचार सुनो नी कब हरे बेटे ने मार दियो जरा अकेले पूछो को नहीं बन में एकली बाजी ढूंढने तय हासने जो बेटो तो कटे लादो को नहीं अरे एक बंसा बनो जो बंसा के मायने रगड़ी आपसी में बीते में कोई आग लगी जो को ऊना बुना निकल कौन सकी भी आग रामायण बल है उत्तम की माँ आग में बल गई। अब ध्रुव गयो कुबेर लोक में जार यक्षाना ललकारिया 130,000 यक्ष सामनार खड़े आया ध्रुव ध्रुव के सामने 130,000 योद्धा खड़े आया तो ए योद्धा ध्रुव के ऊपर बाण फेंकने लग गया। इ टेम के मां ध्रुव आपकी सेना ने कह दी यानी
थे एक ही बाण में छोड़ा एक ने खड़ा खड़ा लड़ाई देख भोगो मैं अकेलो लड़ूंगा। मंत्री क्यों महाराज एक लाख तीस हजार है क्यों एक लो घड़ो थे खड़ा रहो खाली बाण में चला है एक आपकी सेना ने एक ने खड़ी कर दी। अब वो ध्रुव है एक लाख तीस हजार योद्धा जगह सागे लड़ाई करे बांका इतना बाण आवे इतना बाण आवे पर इन बाण विद्या इतनी जोर की आवे जो कोई एक ही बाण आप पर कौन पढ़ दियो एक ही बाण कौन पढ़ दियो अरे बे तो इमाम मां बाण छोड़े जो को बे बाण चाचा बा एक सागे लग गया जो को आधा एक तो मर गया और आधा घायल हो गया पड़ गया बेहोशूर एक लाख तीस हजार यक्षानी जका ने सन सलटा दिया आधा ने मार दिया आधा ने घायल कर दिया। एक यक्ष भाजो भाजो कुबेर जी के गयो कुबेर जी ने जरा बात बताई क्यों महाराज या मृत्यु लोग एक राजा आयो यहां लड़े और आपने सेना का ये हाल है हो गया। जना कुबेर जी ने आई रीस क्यों रे मृत्यु लोग को आदमी अरे यार मारे यक्षा ने मार दिया थारो जीव तो नहीं छोड़ू बिना। कुबेर जी आया रथ पर बैठ रहा आता है पूछ रहे हो भाई तू मृत्यु लोग को आदमी है देवलोक मार देवताओं ने कहने संतावे है जा दुर्वेद जी क्यों मैं तो पूरे सृष्टि का उत्पन्न पालन संहार करता जिसका थाने देवता बनाने वाला है नी मन एक नहीं देवता मानू परमेश्वर ने और किन्नी कौन मानू आज कुबेर ने आई रीस क्यों हो ओ ओ परमेश्वर ने जाने बट देव बट मिलने बहु मन एक नहीं देवता मानने केर बाण ठोक्या बाण चला ऐसा जो ध्रुव जी आप पर एक ही बाण कौन फिर दियो कुबेर को बाण पड़े कौन नहीं जा कुबेर मन में विचार कर रहे हैं तो जो योद्धा कलाकार है अपना बाण को नहीं खावे जना कुबेर जी कह रहे हो भाई थारो गुरु कौन है रहते ना आप विद्या कौन सिखाई यहाँ के लिए लड़ने की मारकनो तू एक ही बाण को नहीं खायो यहाँ के लिए विद्या तेने कौन सिखाई गुरु कौन है थारो जा ध्रुवे जी क्यों मन थाने पैदा करने वाला है नी बे मारा गुरु जी है आपने पैदा करने वाला नहीं तने मैंने बे मारा गुरु जी है मारो गुरु परमेश्वर है कोई मालिक है अर ध्रुव नाई रीस नहीं रे कुबेर नाई रीस क्यों ले सचलो तो बोल रही को नहीं टेडो टेडो बोल रहे दिखाई देखो परमेश्वर थारा गुरु है जनाब का बचावे के आके नारायण शस्त्र चलायो नारायण शस्त्र चलाया था ध्रुव नारायण शस्त्र चलायो अब ये दोनों नारायण शस्त्र छोड़ दिया पर दोनों मरण वाला को नहीं ध्रुव भगवान को भगत कुबेर अमृत पियड़ो ब्रह्मा जी बात में देखी जब ब्रह्मा जी ने चिंता लगी रहा आ दुनिया को कहीं बिगड़े को नहीं दुनिया मर जाए जना ब्रह्मा जी स्वयं भी मनु ने और नारद जी ने बुलाया बुला क्यों थे जाओ दुनिया अबा का मैं और दुनिया में राजी को करा और लड़ाई बंद कर रहा नहीं तो दुनिया मर जाए जना स्वामी मनो और नारद जी आया भाजा भाजा स्वामी मनो आ आज ध्रुव ने बतलायो दादो जी की आवाज आई नहीं आई ध्रुव रथ पर कूदो कूद दादो जी के जार पगा पड़ गयो स्वामी मनु क्यों रे बेटा ध्रुव थारी ऐसी भक्ति करेड़ी जोरदार की तो वैष्णव भगत यहाँ क्रोध कर लियो आ एक लाख तीस हजार एक साल ने दुख दे दियो गणकरा ने मार दिया गणकरा ने घायल कर दिया बेटा क्रोध के द्वारा महान पाप हुआ है भगत ने क्रोध नहीं करनो कदई जब ध्रुव जी क्यों दादो जी ए पहले मारे भाई ने मारियो उत्तम ने जब स्वामी मनु क्यों रहा थारो भाई उत्तम है नी दिखी तो मौत लिखेड़ी है मौत लिखेड़ी थे ना मारियो ये थोड़ी मरियो वो सुने मौत आवे नी जना भानु दूसरे को हुए अपियस दूसरे ने लागे वो मौत न बरदान है ये बात तो यक्ष को ना हो थारा भाई की मौत ही मैं तेने बताऊ सुन सारस्वत कल्प में
एक बार इतनी पब्लिक बढ़ गई, इतनी पब्लिक बढ़ गई के यानी आ धरती पानी में डूबने लागी। बहुत बीते में मौत पैदा को नहीं बेड़ी, मरे कोई को नहीं हो। चार सौ कलप में इतनी पब्लिक बढ़ी जो धरती डूबने लागी, जहां ब्रह्मा जी मन में विचार करो रखी बहुत झड़को करा देना हुआ धरती पर। जना ब्रह्मा जी है के मृत्यु नाम की कन्या प्रकट करी, कन्या प्रकट कर बिन कियो क्यों जा एक काम कर, तू बुढ़ा बडेरा जता भी अमीर रोगला, आ बुढ़ा बडेरा ने रोगला ने खाजिया जो को की धरती पर बहुत धड़को हो जाए। जना मृत्यु नाम की कन्या ब्रह्मा जी ने नटकी क्यों मैं क्यों खाऊं, मैं बदनाम हो जाऊं नहीं खाया हूं कलंके तो मैं वो काम को नहीं करूं, कोई बुढ़ा बडेरा ने खाऊं कोई रोगला ने खाऊं नट अजार माला पहने बैठ गए। आपकी विष्णु भगवान की तपस्या करने लायक गई, जब विष्णु भगवान प्रसन्न हुआ हाजिर हुआ क्यों बोल भाई तू किया मैंने याद करे, जना मृत्यु नाम के कन्या क्यों महाराज मैंने ब्रह्मा जी प्रकट तो कर दी, अरे काम बोला हल्को कबूटा बडेरा ने रोग ने खाजिया, महाराज मैं बदनाम हूं मारो नाम कलंकित हुआ, मैं वो काम करने को चाहूं ये बात तो थाने याद करूं कहीं करूं। अब जब विष्णु भगवान भी ने बरदान दियो है सुने तो ब्रह्मा जी को कीड़ो कर ले, ब्रह्मा जी रो कीड़ो कर ले उम्र पूरी हो जावे नी, जना उम्र पूरी होने के बाद में तू आदमी ने खा जाया कर, लुगाई आदमी जो भी हुआ उम्र पूरी बाद खाया कर, मैं तेने बरदान दू थारो नाव कोई कौन ले वे, कोई किसी शाप खार मर गयो और कोई किसी पानी में डूबर मर गयो और कोई किसी पीलियो मर गयो और कोई किसी अटैक हो गयो और कोई किसी शुगर बढ़ गिर ए नाव दूजा का ही हुस्सा थरना कोई कौन ले वास्ता है तू ओ काम कर ले। जिन्हें स्वामी मनो कह कि ध्रुव ने बेटा मौत ने बरदान है बीरो नाव कोई कौन ले नाव दूजे को लागे थारे भाई की तो मौत ही अर कुबेर का एक सांकोन ताऊ जना ध्रुव मुंडो उतारियो, मुंडो उतारियो और मन के मैंने घबराहट हुई रह जना भाई की तो मौत ही यहाँ और आप झूठो ही अन्याय कर बैठे रहे 130,000 एक सन दुख दे दियो। मुंडो उतार हाथ जोड़ के लगे दादो जी जना मारो क्यों ना घबरा मत, घबरा मत है घबरा मत ना दोस्त ने कौन लागे आ एक सा गई तकदीर में यही लिखेड़ो आके दुख पानो लिखेड़ो मरनो लिखेड़ो जना ध्रुव जी हिम्मत करी अरे क्या ना क्या जना नाथ जी कुबेर ने कियो कह रहे कहने तनी जेड़ो खड़ी है देख वो ध्रुव हथियार नाग दिया स्वामी मनु के कहना वो हथियार नाग दिया लड़ने ही कौन सा है तो तू पछ कहते हथियार लिया खड़ी है थारो ही तो दोष और तू इतनी जे अरे थालो यक्ष से भी भाई ने नहीं मारते हो तो वो आदमी कहता यहाँ तो आना को कोई चांस बोलियो थारे यक्ष की गलती का कारण आयु चलार तेने माफी मांगने चाहिए अभी कभी मारो यक्ष बड़ी गलती करी था भाई ने मार दियो जो तू सामत नहीं जाए जना कुबेर जी को दिमाग काम करो जो आरोन हाजोड़ कियो महाराज मारे यक्ष को अपराध है थके भाई ने मारियो राजा जी ये वास्ता है मेरा बदला जो दंड देना चाहो दंड दे और मारो अपराध समा करो। जना दुरा क्यों आप देवलोक रा देवता हो अरे थे मन यहां बरदान दे जो आईंदा यहां करो क्रोध नहीं आवे यहां करे रात्रि में बात करे हर दुनिया के राजी पो गयो लड़ाई जिठी रुकी। अब कुबेर आपका स्थान गयो ध्रुव आपका घर आ गयो स्वामी मनोर नारद जी ब्रह्मलोक में चले गए। सुखदेव जी कह रहे कि राजा ध्रुव आर राजगिरी पर बैठे जब मन में विचार करे अरे ओ गृहस्थी जंजाल राजपाट परिवार ऐसे नाशवान तो है ही आदमी मरे जना अठी रे वैसे अरे आपने इतनी बड़ी तपस्या करनी इतना ऊंचो पद मिलेड़ो जे राजगिरी पर रे वाला तो कड़े न कड़े क्रोध हो राजा लो अरे आपा अन्याय हो जे वह तो आपा ने राजगिरी छोड़ देनी चाहिए
अरे बन में जा रहे एकांत में भक्ति करनी चाहिए। जना दुर्वा कहीं करे है का इल्ला नाम की स्त्री ही बिके द्वारा वत्सर नाम को बेटो वेड़ो हो ई वत्सर बेटे ने राजगिद्दी पर बिठा राज तिलक कर दिया है और आप दोनों स्त्रियां ने लेर बन में तपस्या करने चलो जावे। अब वत्सर राजगिद्दी पर बैठो राज करे दुर्वा बन में जार भक्ति करे है इरा 36,000 वर्ष पूरा हुए जिना 36,000 वर्ष पूरा होता ही भगवान का पार्षद विमान लेर आवे और दुर्वा ने कहवे कि आप विमान में बैठो और दुर्वा लोग चलो माने नारायण भगवान भेजिए। जिना दुर्वा अटे दिमाग में आप वाली मान लिया हुए अरे बा माँ अपन मोसा बोल बोलिया बे पाप का बदला करके नरका में पड़ी हुई जकी माँ का मोसा बोल बोलो तो उनसे पद मिलो है अरे बा माँ नरका में पड़ी रहे आप सुख पावा एम फायदो का ही है जे वे तो मारो उद्धार करावा जना है। वो उदास हुए रहा बात सोचने लगे था भगवान का पार्षद क्यों ध्रुव है कहीं सोच रही है उदास क्यों है विमान में बैठ जब ध्रुव बात बताई जब भगवान का पार्षद क्यों चिंता मत कर माने नारायण भगवान क्यों है दुर्वा ने और दुर्वा की दोनों मावा ने विमान में बिठा ले रानू है जब बे थारू आगे गई पूरी बेकूट में जना दुर्वा विमान में चढ़ने लगे और बा मोहतार खड़ी होगी क्यों पहले मैं खासियों पानी है मर गया पहली यार मैं पहली मैं खासियों मेरे बाद का मैंने विमान में चढ़ो जना ध्रुव है मौत के माथा पर दे पग बना पेड़ी और विमान में दोनों स्त्रियां ले चढ़ गयो और विमान उड़ गयो। विमान जकी टाइम में जावे है बे टाइम का मायने नारजी महाराज प्राचीन वर्ष राजा के यज्ञ करावा यज्ञ करावा विमान ने जानतो देखो ध्रुव ने जानतो देखो और नारजी बठी कोड लागो नाचने लाग गया आपनो चेलो और इतो ऊंचो पद प्राप्त करियो ध्रुव ध्रुव लोक में जा और आनंद से मट रहने लगे नारजी को यज्ञ करा ध्रुव लोक में गया क्यों रे ध्रुव थारी मन्नी चापूर्ति हुई जना ध्रुव नारजी का पगा पड़ गया क्यों महाराज अश्व प्रसाद था की कृपा मिल गया नारजी बड़ो आशीर्वाद दे मान सम्मान कर और बटो नारजी रवाना हुआ और ध्रुव ध्रुव लोक में रहे आज भी हाजिर है आपा दूजी तारा का दर्शन करा ब्याह करावाने में जा मांग बरार सिद्ध हो क्या दूजी तारा का दर्शन कर लो। सुखदेव जी कहे राजा प्रचित में राजा राजा स्वामी मनु शत्रुपा के तीन बेटा दो बेटा हुआ है तो तीन बेटा एक बेटे की बात मैं थाने बताई दूजोड़ो बेटो प्रियवर्तो प्रियवर्त मैं थाने पहले बताई नारजी के ज्ञान की प्राप्ति कर मंद्राचल पार कर तपस्या करो तो स्वामी मनु मन में विचार करे है कह रहे उतान पा तो आपको राज भोग है पर प्रियवर्त जी आज तो तपस्या कर रहे तो अभी पंथी को हकरो राज बोला दे तो और ब्याह उड़ो कर दे तो मैं चिंता हूँ निर्वाण हो जब स्वामी मनु प्रियव्रत ने समझान ने जावा मंद्राचल पाड़ कर प्रियव्रत ने कहवा बेटा घरे चाल और मैं थारो ब्याह कर दियो और वो तो आपकी पंथी को राज समाज रखे मैं तन थारो हक बोला दू प्रियव्रत क्यों ना पिताजी मैं घरे जाऊं क्यों क्या घरे गया ब्याह कर दो और ब्याह हो गया राजगद्दी पर बैठ जाऊं जिना मैं काम क्रोध लोभ मोह इंद्रिया के वशीभूत उपरो और जन्मन के चक्कर में चले जाऊं इस वास्ते मैं भगवान की भक्ति करने चाहूं मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति खातर मैं परमेश्वर की भक्ति कर चू मैं घरे बोल जाऊं नट क्यों उतान पाद ने प्रियव्रत नट्यो स्वामी मनो घणी समझावे लेकिन प्रियव्रत करो भरे है बी टाइम में ब्रह्मा जी गरुड़ पर चढ़ेड़ा सनकादि ऋषिया ने लेर कोई पाड़ के ऊपर उग जावे ब्रह्मा जी आया जहाँ स्वामी मनो और प्रियव्रत मान सम्मान दियो प्रणाम करो और बिठाया ब्रह्मा जी कह रहे प्रियव्रत
थारा बापू जी तने केवे जब तू घरे क्यों कौन जावे भाई घरे जा ब्याह करा राजगिरी समार फिर के ना मैं घरे जा संसारी मोह माया मैं फसना कौन सा हूं मैं भक्ति पहली लागे भक्ति कर मारो मन उन्हें लागे ब्रह्मा जी कह रहे भक्ति पहली लागे पर नारायण जी की आज्ञा हो बारे नहीं चाल लो विष्णु भगवान को हुक्म है कि जीव पैदा करो सृष्टि की रचना करो संतान बढ़ाओ देख मैं ही बाकी कह रहा हूं सृष्टि की उत्पत्ति करो नी जीव पैदा करो इवास्ता तन भी क्षत्रिय है इवास्ता जार क्षत्रिय पैदा करना चाहिए परिवार बढ़ाना चाहिए जीव पैदा कर तू सुने तो क्या क्या मैं गांव में गया गृहस्थी में गया मोह माया में फंस जाऊं अरे आदमी जी आपकी इंद्रिया ने बस में रखे काम क्रोध लोभ मोह अन आपका अधीन रखे तो वो चाहे घरे रहो और चाहे जंगल में रहो बराबर है वो भले घरे रहो और चाहे जंगल में रहो गृहस्थी में रह आपको जन्म सफल कर सके अगर इंद्रिया ने बस में रखे तो और अगर इंद्रिया बस में नहीं हुई काम क्रोध लोभ मोह ने नहीं जीत्या तो वो अघोर बन में बैठे रहे तो कई मतलब सर है शत्रु को भी रखना है सुने मिनक जल में नहीं जब एक तीन ऋण देवे जलमता है तीन ऋण भगवान क्या कहता मिनका तूने मैं तीन ऋण चुकाया अरे पाचो मारकन आ जा मारो नाम ले मारकन आ जा तो बे तीन ऋण थारा हाल पूरा चुक्या कोनी एक ऋण तो रेवे देव ऋण दूसरो रेवे पितृ ऋण दूसरो ऋषि ऋण और तीसरो पितृ ऋण मिनखा जूनी में आ और ए तीन ऋण चुका दे भगवान को नाम ले लेनी भी को जन्म सफल हुए ठीक है तो देव ऋण चुका दियो देव ऋण क्या चुका ए यज्ञ हवन करानी आप घर में जुड़ा करावा और करा दिया यज्ञ गुरु आम बैठे जना देवता को ऋण चुक दिया ऋषि ऋण ग्रंथ बांच रहा हूं गीता बांस ली रामायण बांस ली भागवत बांस ली महाभारत बांस लिया जगह ग्रंथ बांचा नहीं यू आप ऋषि ऋण चुक दिया मैं तो ऋषि ऋण चुका दियो ग्रंथ बांस पर पितर ऋण करना चुके संतान पैदा कर चुके संतान पैदा करेड़ी वनी जना पितरा को ऋण चुका है क्यों क्या मरने के बाद में पितरा की भक्ति चालू रह जा संतान अगर नहीं हुआ तो मरने बाद पितरा की भक्ति बंद हो जा तो थारो पितर ऋण बाकी है देव ऋण ऋषि ऋण चुका दिया पर संतान पैदा कराया मैंने पितर ऋण बाकी है विवास्ता तने पांचो जन्म तो लेनो पड़ी संतान पैदा करने तक थारो काम बाकी है तो तू ब्याह करना था नटा है तपस्या करे पर पहले तने ब्याह कर और ऋण चुकानो चाहिए जाए सुन फिर वर्ते ब्याह कर इंद्रिया का सुख देख ले जना पच भक्ति करे नहीं जना सफलता मिले नहीं जना स्वाद नहीं देखे रहो नहीं जा बड़ा बड़ा भटक जावे जिया वो आसाराम जेल में सुड़े बड़ा बड़ा भटक जा वास्ते तन्ने पहली ब्याह करा और गृहस्थी बसार पचार तपस्या कर जन प्रियव्रत का हड्डो आठ बात है बैठ प्रियव्रतन करो बन लियो जना प्रियव्रत ने स्वामी मनो लिया और राजगिरी पर बैठा हुआ और विश्वकर्मा जी की बेटी बरहिस्मती के सागे ब्याह करे गृहस्थी चलावे की बरहिस्मती रानी के द्वारा इरे अग्निधर आदि दस बेटा हुए और यशवंती नाम की एक कन्या हुए अग्निधर आदि दस बेटा हुए जका में तीन बेटा बालाई थी जावे यानी जोगी बन जावे सात बेटा इरे कन्न रेवे और यशवंती कन्या शुक्राचार्य जी ने प्रणाई जाए शुक्राचार्य जी का देवयानी नाम की बेटी एक हुए अब प्रियव्रत राज विधि पर बैठे राज करे प्रजा बड़ी सुखी है प्रियव्रत एक दिन बैठे बैठे दिमाग दुड़ायो अरे ओ सूर्य को रथ आठ पैर चाले आठ पैर अरे ओ जकी टेम सुमेर पर्वत की ओट में जावे जना अपना अंधेर हो जावे रात है पड़े
सुमेर पर के ओट में रात जानता है और रात पड़े दिन हो गए जना सगड़ा शुभ काम करे कोई सूरजी ने अर्घ देवे नाद और कोई गाय ने रोटी दे कोई कुत्ते ने रोटी दे कोई कीड़ी नगरों सिंचाए कोई पक्षी ने सुगो घेरे माला फेरे पूजा पाठ करे दिन के मायने चोखा काम हुए और रात पड़ जावे जना कुक्रम हुए रात ने चोखा का काम तो बंद हो जाए कुक्रम होना शुरू हो जाए जे हुए तो अपा अपने राज्य में रात पड़नी को जो रात नहीं पड़ी नी जना कुक्रम समुचाई को नहीं हुआ धर्मपुनि धर्मपुन पूजा पाठ हुआ जा ओ केक रहे हैं का एक हीरा को रथ बनावे एक पहिया को रथ बनावे हीरा को यहां को लो जो को अपा हीरा में रोशनी रहे जो को भी रथ के प्रकाश हो सूर्य सुमेर पर्वत की ओट में जावे नी जना इन राज्य में विश्व विश्व चांदो राज्य में रात पड़े ही रात कौन पड़े अब वो इन रथ पर बैठ और पृथ्वी की सात परिक्रमा दी जना सात खड्डा यानी बांका सात समुद्र बन गया और रेत ऊंची आई नी बांका सात द्वीप बन गया सात समुद्र सात द्वीप और सातों द्वीप सात बेटा के नाते तो तीन तो बाला क्यों क्या सातों बेटा ने एक एक द्वीप भोला दियो एक एक द्वीप का राजा बना दिया ओ प्रियवर्त इस तरीके रथ चलायो रात पड़न को अंदी ब्रह्मा जी ने बात को ठा पड़ो ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहा आपा जना बरस रात दिन बना जगाइए गया और तो रात पड़े नहीं बंदे आप राज्य में जहां ब्रह्मा जी आया क्यों रहा प्रियवर्त ओ कहीं कर रखियो है क्यों महाराज मारे राज्य में कुक्रम को नहीं हुआ धर्मपुन धर्मपुन पूजा पाठ हुआ क्यों रहा हुआ जगह तो हुआ पर नारायण जी की आज्ञा उबारे क्या साल है अरे विष्णु भगवान के हुक्म में रात और दिन बनाया बरसर महीना कहता ही बनाया क्या देवता दैत्य मनुष्य ऐसा की उम्र की गिनती उपभोग रहे कभी और इतना वर्ष इतना दिन को जो तो तू थाने राज्य में रात ही को निपटने दे तेरा उम्र की गिनती क्या उसी लोगा की तू तो परमेश्वर भगत ऊपर और बाहू विमुख चाल क्यों मांग सागर द्रेस पैदा करी है जना प्रियवर्ती रत्न घुमाणो बंद कर दियो और प्रियवर्त एक दिन बैठे बैठे आपकी रानी ने कहे आई दिना में बृहस्पति ने रानी तेने एक बात बताऊंगे या रानी क्यों बताओ या प्रियवर्त रानी ने कहवा देख रानी एक गरीब घर को टाबर हो जो को मार बाप लड़ लियो लड़े और वो घर छोड़ निकल गयो वो बन में चलो गयो मार बाप आसे पासे गांव में घर में सगड़ा ढूंढ लियो लादे को नहीं और रोजी ने ढूंढता वो बन में गयो जो जानता आगे एक बाबू जी की बगीची आई ना ओ भी बाबू जी की बगीची का मैंने पानी पीने चलो जो बाबू जी ने देख कर मन में विचार करो कि टाबर इतने दूर जंगल में एकलो आयो है फिर मतलब वो टाबर कोई लड़ेड़ो है गरे लड़ रहा है देखे जब बाबू जी ने बतला पूछा था ची करिए ओ इजी सी बात बता दी जब बाबू जी के आज ना बेटा आगे को नहीं जाए आगे कोई बस्ती तो है कोनी तो एक काम करे मारे चलो चंटी कौन जो अठरे बोकर आश्रम के साफ सफाई कर ले बुआरी कर ले आपने रोटी बना लिया कर तो खा ले शीर मैं ही खा लो जब बाबू जी ने चेलो बना लिया और बट बगीची में रख जब ओ पाचो घर आयो को नहीं माँ बाप को लड़ेड़ो माँ बाप रात दिन चिंता करे ढूंढे थोड़ा दिन हुआ जब बाबू जी मन में विचार करो रे अपा जीवता जितना दिन रोटी मिले है मरिया बाद में रोटी है तो खोड़ में कुड़ देसी कोई कलाकार तो है कोनी जे हुए तो इन्हें करामाती बना दिया जो आप मर जाओ तो आप तो रोटी खाबो करे जना इन्हें बाबू जी आपकी कृपाओं भक्तियों दिव्य दृष्टि दे दी जो जमीन में 100 फुट ऊंड पड़ी चीज बता दे एक जगह बैठे 1000-1000 कोस दूर की बात बता दे यहां को बना दिए कारण
कदे मर जावा तो लारू आपकी रोटी खा सका बगीचे चला सके। बाबा विद्या सीख ले और बाबू जी की सेवा करे। फिर ये वर्त क्या आपकी रानी ने बरसमती ने रानी तेरा मार बापा ने थापड़ियो क्या यानी आरो बेटो फलानी फलानी बगीचे में रेवे जब परिवार का दो चार आदमी ने ले और इन घरे ले आता ही आ गया। बाबू जी ने क्यों महाराज माको बैठो है मैं इन्हें घरे ले जाना चाहवा। बाबू जी क्यों ले जो भाई मारे का मतलब है ले जो बोलाई मैं तो आइए यहाँ दुखियों मेले और आगे जाओ जना राख दी। जब इन कियो जब बिन अब बाबू जी भी अंग्रेजी विद्या शिकार रखी बट आराम हो रहो वो नटकियो क्यों मैं तो घरे जाऊं को नहीं मैं तो मारे बाबू जी की गुरु जी की सेवा करूं। जना परिवार का दो चार आदमी सागर गए जगह दिंगा ने जबरदस्ती ने पकड़ ले रहे आ गया लेर आ गया दाड़ो सिपाही सुखियो रे ब्याउड़ो कर दो जो को पाछो को नहीं बाजा ले जा पाछो बाजा लो। जना उप घड़ी का मायने ठिकानो देख अरे ब्याह कर दियो ब्याह कर दियो जनाब स्त्री का मुंह में फंस गयो। अब गरीब तो है ही और बा कड़े मंगावे कोई ओटाला ले काजल के डब्बे टिक्किया का पत्ता तो लियावे के तो पीछे को नहीं करना। जना और सुबह जल्दी उठ खेत में जावे खेत में जा लकड़िया की बाल्टी लावे ला अरबा बाजार में बेच अरबी घर वाली की चीजा बपरावे। जना रानी बोली रानी क्यों महाराज देखो और टाबर कितो मूर्ख है जको यानी इतनी जोर की विद्या जानो जकी ने भूल और लकड़ा की बाल्टी ऊंचा फिरे देखो कितो मूर्ख टाबर हो। जना राजा बोले रानी यही हाल अपना है तो क्या नहीं कि बिती दौर की विद्या ना भूल रहे लकड़ा का बाल्टी ऊंचा फिरा मोह माया में फंस गयो तो यही हाल अपना है मैंने नर जी को बहुत जोर को ज्ञान दिया हो भूल है थारसा का ब्याह कर उलझ में लो। जना बृहस्पति क्यों जना महाराज आपने बिरत तुनु चीज है जना और फिर अवर्त रानी अंकारो भरियो नहीं भरियो अग्नि तर राजा ने राजगद्दी पर बैठा राज तिलक कर और आप रानी ने लेर बंद में है तपस्या करने चलो जाओ। अब वो अग्नि तर राजगद्दी पर बैठे कुंवारो है ब्याह कर गया को नहीं अग्नि तर मन में विचार करे कह रहे अपा पहली तपस्या कर लावा और पांच हार ब्याह कर सके क्यों के शास्त्र में लिखे है 24 वर्ष ताई ब्रह्मचर्य आश्रम को पालन करनो स्त्री को संग नहीं करनो तो आपा ब्याह करा को नहीं पहली तपस्या कर। जना अग्निधर मंदराचल पहाड़ में जार तपस्या करने लाग गयो ओ तपस्या करी अघोर तपस्या यहां के लिए करी है के इंद्र कंपन ने लाग गयो अरे ई टाबर की तपस्याओं और जय भगवान प्रसन्न हो गया और वो जो इंद्रासन मांग लियो है नहीं तो इन इंद्रासन दे देवेला और आपा को आसन जावे लो आप लोग रात जा लो जे वे तो ये तपस्या भंग करा देना वे। जिन्हें एक पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा ही इंद्र भी अप्सरा ने बुला वे अप्सरा ने बुला के अप्सरा वो अग्नि दर्ज की तपस्या करा निमंद्राचल पहाड़ पर तू जा मेरी तपस्या भंग कर आजा मैं तने मनीचा बताई देशो धन देशो तू मांग नहीं जुई दे पर मेरी तपस्या भंग हो जानी चाहिए क्यों के जे वो राजगद्दी देवलोक रो राज मांग लियो है नहीं तो इन्हें वरदान मिल जा लो क्योंकि तपस्या बड़ी जोर की करे। जरा पूर्व स्थिति अपसरा क्यों महाराज तपस्या भंग कर आ जाऊ क्यों आज तो तने मनीचा मांगी जुई दे जना पूर्व स्थिति अपसरा चल रहे तो नक चक घेना घंटा पैर सोला श्रृंगार कर और अग्निदर माला पहरा बैठे आवे पाजेबा घूंघरानी नई खरीद पैर रही। अब बा दड़ी ले ली हाथ में और दड़ी रमे उछाला या तो रिया तो बोचा या तो उछले या तो बोचा देने में पग टेढ़ा मेढा पड़े था पाजेबा बाजी नहीं जा का तो अग्निदर बैठे बैठे माला फेरो
अरका पजबाल आवाज कान में गई रखा खुल गई आख्या खुल देखो ए पजबा कट बात है आगे देखे तो सामने बापुर चुकी अफसरा खड़ी ऐसी रूपवंती ऐसी रूपवंती कि आज तक यहाँ के लिए कोई लुगाई को रूप गिरो देख भी हो अरे अग्निदर भी देख देख कर जरा इतनी रूपवंती स्त्री आकटवाई आकटवाई अरे आपा के अटे तो यहाँ के लिए स्त्री हुई को नहीं कोई और कोई जगह आई है अग्निदर एक कर माला गोमुखी तो रख दिया माला गोमुखी रख दिया असलामदार बतलाई ए जीत इकट्ठा का हो कुन्नो आया हो कुन्न जा रही हो और इतना थकज्यो का रूप में तो आज तक कौन देखियो कोई स्त्री को इतना रूपवंता बन में एकला दावा पूर्व चुकी अफसरा क्यों मैं मारी घूमना आई हूं घूमना आया हो क्यों हाँ और ये थको इतो सुंदर रूप है आ शुभ नावे थका शरीर में थका गांव में थका एकला का यहाँ अगले रूप है अशुभ नावे का सगड़ा गाँव है क्यों हमारे गांव में संख आवे यहाँ अगले शुभ नावे शरीर में और इसे ऐसे रूप बनता है थारजी अगला जगह माड़ा पहन वाला साधु संत है ऋषि महात्मा बे यहाँ अगला कोमल शरीर यहाँ अगला रूप बनता है हमारे बैठे ऐसे जवान बुड्ढो है कि कौन नहीं मारे गांव में छे जवान बने डरे में अरे कई कारण है मार्जी अगला साधु संति ऋषि महात्मा यहाँ अगला गोरा है क्यों हाँ ऐसा गोरा ऐसा कोमल और जवान कई कारण है वो थकाले बट कोई रेत पानी यहाँ अगला है क्यों रेत पानी को नहीं बट मारे गाछा के फल लगे फल वे फल यहाँ अगला ही है पन खावे नहीं जना आदमी कभी बुड्ढो को नहीं हुआ जवान बने डोरे वे अरे रूप गोरो उजियावे अरे बाप फड़ा क्या मैं असर हूँ खून में सुख नावे शरीर में जब वो सेंट लगाए दे सो आदमी लाग बोक रहे जना अग्नि दर क्यों जना बे फल मने ही खा दे नहीं एक करके जब मैं इसे रूप हूं तो जो ये स्वर मावा मार शरीर में क्यों फल तो अट थोड़ी है तो हमारे गांव में है बेटे क्यों गांव में जब मैंने फल खुआ लिया और नहीं कर मैं था स्वागत आ जाऊ मैंने फल खुआ दिया दुनिया क्या ले जाऊ तन मैं जानू नहीं को बात नहीं कहीं थारो स्वभाव है कहीं थारी प्रकृति है ये क्या ले जाऊ नया आदमी ने सागे अरे गांव वाला मेरे परिवार का ही क्या होने के तो वैसे इन्होंने किन लाई है थोड़ा दिन थे सागे ले जान जाऊ क्या अगला आदमी होते है पचो तो मैं कहता ले जाऊ जागने डर के मैं थे सागे रहने तैयार हूं क्यों तो पाड़ा में थोड़ी देर जाए हंकाल घरे चाल जन आगने दर आसन माला गोम के अंदर सावट रख दी हरियाणा रूप में ही अगलो मोई तेल लेर घरे आ गयो घरे आ गयो कंद्र ब्याह कर लियो इस आगे ग्रस्ती चलानी शुरू कर दी ना पी इलावरता दी नो बेटा हो गया नो बेटा भैया बेटा देवलोकरी अपचलाई आशीर्वाद हाथों हाथ जवान हो गया जना आप बेटा का ब्याह कर दिया और पोता पोतिया होगी जना एक दिन अफसरा मन में विचार करे पूर्व चित्ती कि अब इंद्र को काम है हो गयो अब तपस्या भक्ति कटी गया और मोह माया में फसेड़ो है अब अपन दार इंद्र को बधाई लेनी चीज जना एक दिन इन्हें रात में सोतिया ने छोड़ और अंतर ध्यान होगी देवलोक चली गई जार इंद्र की नो बधाई ले ली अब अग्निदर दिन के जाग्यो और पूर्व चुकी लादी को नहीं रूम में जा जाने आज बेकी किया उठी बा नहाने गई है नावन घर में गयो बाथरूम में गयो कितने लादी को नहीं उन्ना बुन्ना रसोई में सगले ढूंढ ली लादी को बेटा ने पूछो अरे तारी माँ कहता है क्यों भी तो कौन देखी अब आस है पास है सगड़ा समाचार कर दिया ढूंढा ली सेना ने गांव में सगड़ा कर दी कटी लादी को नहीं अब अग्निदल ने बा पूर्वचित दुख है दिखे और दूसरो काम के सुझ है अरे कुन्न गई रे मन छोड़ रहे कुन्न गई बा अग्निदल ये पूर्वचित अफसरा नहीं मिलने के कारण इरे रूप मोह पेड़ो दुखी हो गयो पाछो मन में विचार करे रे आपा चला पाछा अरे मन में तपस्या करा जे बैठा जावे तो
जना आपको बड़ो बेटो नापी हो ई नापी ने राजगद्दी पर बेटा राज तिलक कर अग्निदर आप पाचो बन में तपस्या करने चले गयो। तपस्या करे लेकिन मनी को भी पूरो चित अप्सरा में है। तपस्या करतो करतो मरियो जना मन भी पूरो चित अप्सरा में रहने से गंधर्व तन प्राप्त करे है और गंधर्व तन प्राप्त करके जार पूरो चित अप्सराओं मिल लेवे है। अब नाभी राजगद्दी पर बैठो राज करे। नाभी की रानी को नाम हो मेरु देवी और नाभी राजा आपकी मेरु देवी स्त्री ने ले है और पहली बन में तपस्या करने जावे। तपस्या कर पाछो आवे और अच्छी धर्मात्मा संतान होने के खातर भाग्यवान संतान होने के खातर साधु संतान है ऋषि महात्माओं ने बुलार यज्ञ करावे। यज्ञ करावे जना यज्ञ रामायण पूर्णावती के टाइम में यज्ञ पुरुष भगवान प्रकट हुए। प्रकट हुए और नाभी राजा साष्टांग दंडवत प्रणाम करे यज्ञ पुरुष भगवान के चरण की पूजा करे और यज्ञ पुरुष भगवान नाभी राजा ने कहवा जो चाहे तो वरदान मांग थारी तपस्या और यज्ञ प्रसन्न हो। जना नाभी राजा वरदान मांगे कह महाराज हाँ कह जिसो मारे बेटो हुए जना हुए। जना यज्ञ पुरुष भगवान कह देख मारे जिसो बेटो तो मैं दूजी जगह तो ले कटो मैं थारा करा एक बार अवतार ले लो जन्म ले ले के और यज्ञ पुरुष भगवान अंतर ध्यान हो जावे और नाभी राजा पांच बज गए ओहो साढ़े चार ही बजे आओ तो लगा तो हाँ ठीक है फिर चल आप नाभी राजा यज्ञ पुरुष भगवान अंतर ध्यान हो गया। यज्ञ पुरुष भगवान अंतर ध्यान हो गया और नाभी राजा यज्ञ प्रसाद आपकी रानी मेरु देवी ने दिन्यो मेरु देवी दिन्यो मेरु देवी यज्ञ पुरुष भगवान की कृपा गर्भवती होगी और पेट का मैंने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ गया क्योंकि वरदान दिए गए। मेरु देवी को लीला चिमकने लागो और नाभी राजा मन मन में खुश होने लागो और जना अपने घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बेटे के रूप में अस इस टाइम में ब्रह्मा की देवता गर्भ की स्तुति करने आया है। गर्भ की स्तुति करने आया है और मेरु देवी ने नाभी राजा ने क्यों था जन्म सफल हो गयो थके घर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार ले समय पाकर के दस महीना हुआ जना पहली चार भुजा को रूप धारण कर और नाभी ने मेरु देवी ने दर्शन देवे। चार भुजा को रूप धारण कर दर्शन देवे फिर छोटा धनड़िया बना रोड़ने लगे जना ब्रह्मा जी आवे और नामकरण संस्कार करे और नाम ऋषभ देव जी रख देवे। ए ऋषभ देव जी साक्षात भगवान का अवतार है। बोलो ऋषभ देव जी महाराज की। ऋषभ देव जी भगवान को अवतार होने के कारण आज जो मंत्री और प्रजा बड़ा खुश अब तो अट तो कहीं बट मास्टर जी ने अट तो भीड़ कहीं है तो ऋषभ देव जी भगवान को अवतार होने के नाता मंत्री प्रजा से सुखी और से प्रसन्न आगे सागे हटाया करे। जरा नाभी राजा मन में विचार करे कर ऋषभ देव सयानो गयो और मंत्री प्रजा से खुश शहर सागे जे हुए तो आपा ऋषभ देव ने राजगद्दी पर बिठा दिया और आपा बन में जार तपस्या कर आपनो जन्म सफल करा। जना ऋषभ देव जी ने ब्राह्मणा ने बुला और राजगद्दी पर बिठा राज तिलक कर दे और नाभी मेरु देवी बन में तपस्या करने चला जावे। सुखदेव जी कह रहे कि राजा अब ऋषभ देव जी राजगद्दी पर बैठे राज करे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अवतार होने के नाते ऋषभ देव जी के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी यानी
प्रजा के मायने कोई गरीब कोनी, कोई रोगलो कोनी, और समय समय पर बरसात होनी, जमाना होना, और बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीना, इतो पशु पक्षियों में प्रेम। ऋषभ देव जी की बटाया होने लगी, क्यों ना ऋषभ देव जी के राज्य में प्रजा बड़ी सुखी है रहे, प्रजा बड़ी सुखी है, राजा वो तो यहां के लोग हुए। जना देवलोक का मैं ऋषभ देव जी की बटाया हुआ है, देवलोक रमा ऋषभ देव जी की बटाया हुआ है, इंद्र की सभा हुए नी, जा इंद्र जता नहीं ऐड हुए नी, इंद्र नहीं पुगा जता से बटाया करा ऋषभ देव जी की। इंद्र आपके सभा में बटू बड़े है, जब बीचे बीच आवे जा ऊन ला दुनिया का लाई ऋषभ देव जी की बटाया करा रहे, ऋषभ देव जी देखो राजा वो तुम आप लोग, अरे ऋषभ देव जी का रात में प्रजा बड़ी सुखी है रहा, प्रजा बड़ी सुखी है। इंद्र रोजी ने कानों बताया सुनी नहीं, जना इंद्र का जलन पैदा होगी, इंद्र का जलन पैदा होगी कई का, देखो लोग भी ऋषभ देव की बटाया करे, प्रजा सुखी है सुखी है, प्रजा तो सुखी जता है, मैं बरसात करूं टेमो टेम जमाना हुआ, लोगों का सो सो मन धान हुआ, जना प्रजा सुखी है, मैं काल पटक दे जना प्रजा भूखा मरती कौन मरी गया। देखो लोग लगे बटाया करने, अब काले बात ऋषभ देव जी के राज्य में काल फटक लो है, और पंच प्रजा भूखा मरी नहीं, जना आ लोगों के मुंडो पूछो काल ऋषभ देव जी का प्रजा की है, इतनी बटाई करे अभी राजा की, सुख तो मैं देऊ बरसात कर टेमो टेम। इंद्र का जलन पैदा हुई बटाई सुन रहे, जना मेघा के राजा ने बुलायो, क्यों सुने अब काले चौमासा में ऋषभ देव जी के राज्य में कटई बरसात को निकलनी है, कटई दौरी नहीं आनी चीज है, जमानो नहीं उजा बेटे काल पटकनो। जना मेघा को राजा क्यों महाराज ठीक है, फुआरे को पटका में तो कटे क्यों ठीक है, अब चौमासो आयो ऋषभ देव जी के राज्य में बरसात को नहीं हुई, बैसाख गयो, जेठ गयो, अषाढ़ गयो, सावन गयो, भादो लाग गयो, मैं हुयो मैं कौन हुयो, जना प्रजा श्याम का राजा के नाव ही अताई करने, पहले तो अपने घर में ही आता बूटिया बटेरा बैठे रहता, पांच आदमी मिलन आता तय करता रात में ग्यारह ग्यारह बजे, मैंने याद है लेकिन अब आ लेकिन फुर्सती बने, तो प्रजा एक दिन शाम का बैठी, राजा ने कह दियो ऋषभ देव जी ने महाराज अब काल है तो आपने तो काल पड़ी, ऋषभ देव जी क्यों है, क्यों काल पड़ी महाराज, अब कल काल पड़ी, पशुआ कह रोर कह परेशानी सी हुई, घास फूस नहीं हुई जना, क्यों 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 तो महाराज भाई को टाइम दे करो, भाई को टाइम दे करो, जय टसा दिशा गया अपरा, अब तो कोई जे मैं उठावे नहीं तो मोट कुंवर भलाई हो जाओ, मोट कुमार की बाई तो हो सके, बाकी अब काल ही पड़ सके, प्रजा तो कैर चली गई, ऋषभ देव जी मां जा ध्यान लगाओ रहा, कारण कहीं अपाट धरती पर बैठे अपूर्ण परमात्मा खुद है, तीन लोका का उत्पन्न पालन श्रृंगार करता, अरे आपने आख्या मुंडा के प्रजा दुख पाजी काल पड़ कहीं कारण है, मैं क्या गोले हो ध्यान लगायो, आज्ञा देख तो इंद्र के ईर्षा होगी, बड़ाई सुन ऋषभ देव जी की बड़ाई सुन सुन, और इंद्र का जलन पैदा होगी, कभी बड़ाई क्या करे लोग, अरे वो मैं हूं देव है कौन, एक करो कि रात ने माया का बादल बनाया, माया रूपी बादल बना, और आपका राज्य में रातों रात सोसो अंगल तेर लड़ाऊ मैं कर दियो सगले, मैं हुआ मैं हुआ लोगों का सूर तो कनेडा आई गए सुबह ही अरोचा करने चला गया, अब लोग क्यों अरे मोटर बाज मोटर गुमार की बा है, क्यों अरे थोड़ी बाजरी मिला दो काल हुई जावे जा, लोग बाजरी मोटर सब बीज दिया, अब भी धान ने सुहावलो में हुए तो धान बटो दगा दग धान ने जने ही मैं की जरूरत हुए नहीं, जने आपका माया का बादल बना ले में बरसात, कार्तिक के महीने में खेत से हरिया भरिया गुआर खांदे खांदे सुधो मोट बिकानेर वाला खारिया जता जता बड़ा फैलेड़ा बाजरी
शंकर बादरे का शिक्षा वनी भले देशी नाकेड़ी होते शिक्षा विषय का विषय और खेत हरिया भरिया काकड़िया मतिरिया इंद्र कार्ती में जब तो याद आवे पाछी बात कह रहे कार्ती को मीनू है और देख रहे तो ऋषभ देव जी के राज्य में काल परेड है जो लोग दिखे किया दुख पावे सुख पावे ओ देखना आवे जो ऊपर देखे ऋषभ देव जी के राज्य में जो खेता में बा बाजरी खड़ी थाली पीरा लोग शीटा को क्रंक अरे बेगुमार मठ काकड़िया मतरिया का ढिगला लांग मेरा गेला में लोग खावे तो नहीं खावे इंद्र देख देख तो रे आप मेघा के राजा ने क्यों काल पटकड़ो है अरे वो तो टेमो टेम बरसात करिए था जने जमानो यूए ही आगलो गयो देवलोक में जा मेघा के राजा ने बोला रहो मैं तेने क्यों नहीं ऋषभ देव जी के राज्य में काल पटकड़ो है अरे तुम टेमो टेम बरसात करिए क्यों नहीं महाराज मैं तो आस पास को गया फुआ दे को पटक्यो तो जरा जमानो क्या आयो जो वो महाराज मानता को क्या आयो जो मैं को नहीं करो जरा इंद्र ध्यान लगाए रहो कहीं कारण है ध्यान लगा देख तो ऋषभ देव जी सिंहासन पर बैठा नहीं बट चार भुजा को रूप धारण कर रहा शंख चक्र गदा पद्म हाथ में पीले पीतामरी पैर रे पेड़ रेस में दुपट्टो जड़ाऊ मुकट काना में मकरा कर कुंडल कौस्तु मणि पहरेरा और साक्षात पूर्ण परमात्मा आदि पुरुष भगवान विष्णु भगवान बैठा दिखे एक ऋषभ देव जी दिखे एक करे दिखे एक ऋषभ देव जी दिखे एक करे दिखे इंद्र घबरा गयो अरे अपना किर सा गया ईर्षा कर ली अरे तो अपना मालिक है आंख की बटाई सुने तो अपना जलन पैदा कर ली अरे चिया ने था पड़ जाए तो कहीं कैसे अपना था पड़ जाए तो ना कहीं कैसे इंद्र एकदम घबरा गयो अरे आदमी कोई ऊक चूक काम हो जावे इज्जत जान आलो जना भादर किन कर जावे था एक तरह चूल्हा के घरा नहीं गंदा है क्या मारो और काम गड़ा होड़ी अब कहीं करो देखो इंद्राणी कने इंद्राणी इंतजार क्यों मारो और अन्याय हो गया अब कहीं करो क्यों ठा पड़ गयो क्या क्यों ठा तो हाल को नहीं पड़ो क्यों तो एक काम करो थे मैं बताऊं था नेताजी को क्यों कहीं क्यों अपना जैन की छोरी यानी ब्याह ली है बेटी जो थे बेटी ने साधे लीजियो जैन की ने ऋषभ देव जी के सागर ब्याह करियो बटे संबंध कर हाथों हाथ ब्याह कर दिया जो जुआई बन जाए नहीं जब पता अपन की क्या वह जुआई बन जाए धक्की बोल के जना इंद्र जयंती ने लेर गयो जो ऋषभ देव जी का पगा पड़ गया और क्यों हमारी छोरी का पीला हाथ थाके सागे करने चाहूं ऋषभ देव जी मन में विचार करो करना तो कौन सा बुला लिया तुम्हारी तुम तो हमारी बड़ाई सुने चढ़ाओ पर ठीक है आपने किया घर बैठे ब्याह तो हुए ऋषभ देव जी अंखारो पर लियो जना ओ जयंती को ब्याह है जो ऋषभ देव जी के सागे कर और आपको पांचो देवलोक में चले जाओ इंद्रा ने इंतजार सारी बातें बता दिया अब आ जयंती ऋषभ देव जी के सागे कृष्ण चला इंद्र का इंद्र ब्याह कर देवलोक में चले गयो ऋषभ देव जी जयंती के सागे ग्रस्त ही चलावे ऋषभ देव जी के कि जयंती के द्वारा सो बेटा हुए जिसका मैं नो तो योगेश्वर बन जावे नव योगी यानी साधु महात्मा बन जावे जिसका राजा जनक ने ज्ञान देवे नौ खंडा का राजा बने और एक बेटो बटोड़ो भरत राजगिद्दी पर बैठे और 81 बेटा महाकाली विद्या सीख ले पढ़ता ही की जो कथा मानसर भागवता मानसर ब्याह साध्यांग करावे 100 बेटा ऋषभ देव जी एक दिन 100 बेटा ने लेर बैठा कहता ही कह आपको जन्म सफल उद्यावे वास्ता ने ज्ञान देते ऋषभ देव जी 100 बेटा लेर बेटा क्यों बेटा मैं थारे एक बात बताऊं
सौ बेटा क्यों बताओ पिताजी, क्यों देखो इस संसार में जती जड़ चेतन है तना आंखें दिखे सारी चीजा नाशवान है बेटा, सारी चीजा नाशवान है। ए मनुष्य के शरीर में आत्मा रहवे नहीं, भगवान को प्रकाश तेज भगवान विराजमान रहवे, जत्ते ऐसे काम की है इमो भगवान निकलता ही शह नाशवान है। एक ही सागर कौन जावे, ये आत्मा के आत्मा अकेली जावे। ये वास्ता है आ नाशवान चीजों मोह मत जोड़िया, और मोह जोड़िया के सागे साधु समता के सागे, साधु समता के सागे मोह जोड़ने से ज्ञान की प्राप्ति उसी अर्था को जन्म सफल हो जैसी बेटा। और संसार है नी और द्रव्य और स्त्री दो माया रूपी जेवड़िया है जो को पूरा जगत में जेवड़िया के घेरे में ना खेड़ो है। द्रव्य और स्त्री दो माया रूपी आगली जेवड़े है पूरे जगत के बाहर कर फेरेड़ी है। जब को आदमी मिनखा जुनी माँ आ जेवड़े बाहर निकल जावे नी जब को जन्म सफल कर सके है और मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सके है, जेवड़े के घेरे के माँ माँ मरे नी वे जन्म मन के चक्कर में रह जावे। आ दो जेवड़े बाहर निकलना पड़े बेटा, जबकि मैं स्त्री रूपी जेवड़ी है नी माया जक्यों तो कणकराई निकल जावे, पर द्रव्य रूपी जेवड़ी है नी बियो अंतिम सांस तय लोग निकल कौन सके है। क्यों क्या चाबी कमर को खोल और बेटा ने पकड़ाई जब कौन नहीं कहे भरोसो ठीक हो जाऊं तो कहे भरोसो ठीक हो जाऊं बा मरिया बाद ही खोल दे बेटा। तो बेटा द्रव्य रूपी जेवड़ी आंख ली है जबकि आदमी ने मोह माया में फसाड़ी राख ही ले मोह माया बेटा। आ दोनों निकलने के खातर आ दोनों जेवड़िया के घेरों बाहर निकलनो और साधु संता की सत्संगत करनी। कबीर जी लिखियो है नी, कबीर लिखियो है दो पाटन के चलती चाकी देख के, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोई, दो पटन के बीच में सापत बचाने को ये कबीरा, सापत बचाने को। कबीर जी क्या के दो पाटियां अगला है आके बीच में से पिसी थी। कबीर जी की बेटी है कमाली, माँ बापू जी को आ बात सुनी, सुन मन में विचार कर पाछी बोले बाप ने जवाब दे, चलती चाकी देख के किया कमाली ज्ञान, चलती चाकी देख के किया कमाली ज्ञान, कोई कोई साबत बचत है राम किली के पास कमाली, राम किली के पास कमाली क्या बापूजी ने, बापूजी देखो दो पाटन के बीच में कोई साफ तो कोई बचा है से पिसी जाए, पर मैं क्यों कोई कोई बचा है, क्योंकि यहाँ क्यों गट्टी में पीस लो पीस है नहीं जना किली के सारे साफ तो दाना रेज जाते ही, राम की शरण कोई ले ले वे नहीं बे साफ्ता बच जा, भगवान की शरण में लेना तो बच ही है क्या। तो ऋषभ देव जी आपका बेटा ने कहा बेटा आज जेवड़िया बाहर निकलनो चाहिए मोह माया हूं, और धन था है कि बेटा मनुष्य संसार में आवे पाछो जावे जना दो दरवाजा है, दो दरवाजा जाने का कहीं कहीं एक तो नरक रूपी दरवाजो एक मोक्ष रूपी दरवाजो। नरक रूपी दरवाजे में आकर बैठ जावे जका अधर्म पर चाले धर्म के विरुद्ध चाले मदिरा पीनी चोरिया करनी कुक्रम करना पंथा है,
और मोक्ष रूपी दरवाजे से बे जावे जका साधु संता की संगत करे ज्ञानी बन जावे और अच्छा कर्म कमावे भक्ति करे दान पुण्य करे बे मोक्ष रूपी दरवाजे से जावे। अब आदमी मरे जना जका का कुकर्म करेड़ा है बहु छाना तो है को नहीं बुढ़ा को आ जावे मरने को टाइम आ जावे जना आदमी पछ धोखो करे अरे आपा अपनी उम्र में अन्याय अन्याय खेला रे अब खेता आगे अपना कहीं हाल उसी अब कहीं हाल उसी रे अपन ने कहीं कहीं दुख देखना पड़ती है पछ रोवा धोखो करे। अरे जको आदमी अच्छा ही अच्छा कर्म करया है बिन था है कि मैं मारी समझ में मिनका जुनी मार अन्याय एक सुई की नहीं जो तो करो को नहीं और मैं मर चु नहीं जना मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति उसी और आज्ञा मैंने सुख मिल सी बिन उठा रहे मैं जब वो मरती टाइम में एकदम हंसतो हंसतो जावे वो हंसतो हंसतो जावे क्यों बिन था मैंने आगे जा सुख मिलनो है बिना कर्म ही अलगा को नहीं कमाएगा और पापी रोनतो रोनतो जावे। ये बात वास्ते भी कबीर जी की है कबीर जी की है कि मिनखा जुने में आप रो और आदमी ने यहाँ अगला कर्म कमाना यहाँ अगला बढ़िया कर्म कमाना जब को आदमी मरे नहीं जना हंसतो जावे और भी भला आदमी का खातर लारो दुनिया रोवे मिनखा जुने में और कर्म यहाँ अगला करना चीज है कबीर जी क्यों है नहीं कबीरा जब पैदा हुए कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोय कबीरा हम हंसे जग रोय यानी बच्चों पैदा हुए जना आप तो रोवे दुनिया राजी हुए हंसे कबीर जी के मिनखा जुने माँ और यह अगला कर्म कमाओ जो को जावे नहीं जना आप तो हंसतो जावे पर दुनिया भी न रोवे। तो ऋषभ देव जी आपके बेटा ने ओ ज्ञान दियो ज्ञान दे और बाद के मैंने सारा बेटा ने सत्संग में साधु संता की संगत में लगा दिया और आप विरक्त होने की सोच से है। अब आज कथा को विश्राम दे दिया क्या कर दो कर दो एक मिनट ऋषभ देव जी ने पूरा पुकार दिया थोड़ा खा तो बोलो ऋषभ देव जी आप मन में विचार करे क्या अब आप बेटा ने तो ज्ञान देवा पर आप ही जन्म सफल करा जना हुआ और जे एकांत में जाने को भक्ति करने को अन कैसा नहीं जिन्हें एक बेटा का माइक भी जी के बने तो बेटो जान को दे के देने बेटे जो घर है और निर्वाणी माला फेरो था ना नेरो कमरो दे दिया आपने सो सो बेटा जान किया दे एक आई करे आप जड़ रूपी बन जावे जड़ रूपी यानी जड़ रूपी पूजा पाठ करना बंद कर दिया किताबा बांध बांध रुचि रख दी माँ खाली राम को नाम माई माँ माला फेरा भगवान को नाम जपा दिखाओ टिकी को और स्नान करना बंद कर दियो बाथरूम वगैरह करे तो स्नान का कोई नियम कौन रहा क्या कोई बुआ बाल्टी पर रख देवे जना आठ को और दो दिन नहावे तो नहा नहीं तो बिंदे नहाए बैठे रहे कपड़ा ही चेंज कौन करे मेला हो गया तो हो गया पड़े कोई लाद दे दे दिखाने तो चेंज कर ले नहीं तो पड़े भाई जिमण को नहीं मांगे मुंडा के लाद थाली रख दे जना झीम ले नहीं तो मत्ता मांगा को नहीं यानी जड़ रूपी बन गया जड़ रूपी और भगवान को मां नाम जपन ला गया जना धीरे 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 परिवार वालों को मोह कम हो गयो परिवार वालों को मोह कम हो गयो अब कोई बात भी पूछा था जी को नहीं करा क्योंकि बापू जी विक्षिप्त हो गया पागल साहब हो गया मोह कम हो नहीं जना एक दिन है धीरे धीरे आपका रात में निकलिया जो को जंगल में चलिया गया रे पार पर जा रहे बैठ गया अब बेटा उन्हें बुने थोड़ी देर तो ढूंढा फिर बाद का मैंने वहां आपका पका धंधा ला गया एजार पार पर रहने ला गया पार पर रह और यह नाना धोना से बंद है पर आकर शरीर में
सुग मियां के लिए आवे देखो 40-40 कोस दूर तक चंदन को सेंट सुगना आवे नी बिया चंदन का सेंट आ जा सुगना आवे 40-40 कोस तक अष्ट सिद्ध आईया के ने क्यों मरमा आकरा मातर मरमा आकरा मातर मैं था कंद रे जवार ए अष्ट सिद्ध का ने आंख उतार कौन देखो अब लोग जावे जा गेल में सुख ना आवे चंदन की सी मन में विचार कर रहा था कि रोजी ने जावा आज तक सुकन को नहीं आ सुकन कटू आवे हाल है वो कह यार का लिया ही इतने एक कह यार सुकन तो 5-7 दिन ना आवे कितना आवे कटू है कोई चंदन को गाज सुख गया कि देख रहा हूं जब ही सुकन ने सुनता सुनता 5-4 आदमी जगह गया आगे जा देखे तो पहाड़ पर ऋषभ देव जी बैठा माला फेरे अरे बस सुकन मंग शरीर मुंह आवे बैठ गया हाथ जोड़ ऋषभ देव जी माला फेर ध्यान तोड़ो जरा बातचीत करी ऋषभ देव जी ने कोई बातचीत पूछी था ऋषभ देव जी बता दी पंका भाई काम सर गया था मन विश्वास आ गया महात्मा जी तो बड़ा जोर का है कल अपन की और भी यही उगो जना ए आपका अंगना आने लग गया अरे 5-10-20 और चेला बन गया अरे ऋषभ देव जी के नाले जहां के खाने पीने की व्यवस्था चेला कर दे अब ऋषभ देव जी का जगह चेला बनिया नहीं जगह ऋषभ देव जी ने देख और वेद ग्रंथ बांधना मानने को नहीं बंद कर दिया और खाली नाम जप में आ गया और स्नान करने को भी कोई नियम को नहीं बांधे बाथरूम वगैरह करे तो कोई नहाना का नियम को नहीं क्योंकि गुरु जी को नावे नहीं 2-2 दिन 4-4 दिन गुरु जी को नावा पड़ा यह चलने लग गया नहीं जना ओ अठू अपने धर्मो जैन धर्म में निकल जावे जैन धर्म श्रावकी धर्म है नहीं ओस वाला को वो अठो फट जावे जका ऋषभ देव जी का चेला ऋषभ देव जी का देखा देखी चालने लग गया जना वो जैन धर्म हो गया क्योंकि जैनी आदमी वेद शास्त्र ने मानने को नहीं नारायण धोने का कोई नियम रखे और जैन धर्म अठो फंटे अब ऋषभ देव जी ई अवस्था का मैंने योगाभ्यास के द्वारा आपको शरीर छोड़ देवे है और परम धाम बैकुंठ से जा जावे है अब ऋषभ देव जी को बेटो भरत बडोड़ो राजगद्दी पर बैठो है राज करे है और अध्याय आप काली चालू कर सिया क्योंकि अब टाइम हो गयो 5 बज गया और आरती को टाइम हो गयो पानी पेशाब करे थे ना आरती हो गया गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि